राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा वो भी चुनाव चूंकि मैदान में है। वोट डालने जा रही हैं शर्मिष्ठा। और लेकिन इन सब के बीच हम चलेंगे, चूंकि रीमा जिक्र कर रही थी कि वहां पर लोधी कॉलोनी में जो कुछ लोग वोट डाल रहे हैं वहां पर क्या मुश्किलात आ रही थी, बात बीच में कट गई थी, हम उनके पास चलेंगे। लेकिन फिलहाल चिराग गोटी के पास चलते हैं जो सीलमपुर में, जो कि खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा वहां पर तबका दिल्ली में सीलमपुर इलाके में रहता है। चिराग, दिल्ली में वोटिंग शुरू हो गई। इस वक्त हम दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ भी जमकर वोटिंग हो रही है। खासकर सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र जो है राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर जो वोट्स पड़ते हैं वो जाहिर तौर पर दिशा और दशा दिल्ली की राजनीति की तय करते हैं। हमारे साथ खालिद खान साहब मौजूद है, वोट करके आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी, कितने बजे आपने वोट डाला? मैंने सबसे पहले वोट डाला है। वहाँ पर भीड़ लगी थी, सबसे पहले लग गया था लाइन में, तो पहला वोट मैंने डाला। और मेरी अपील है सभी लोगों से, खासकर मुस्लिम लोगों से भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और अपने मतदाधिकार का फॉलो करें। आप देख सकते हैं कि जो स्याही का निशान है आप उंगली पर देख सकते हैं कि वो उन्होंने यहाँ वोट डाला है और चुनाव आयोग की तरफ से उनको स्याही का निशान भी लगाया गया। और ये इनका वोटर आईडी कार्ड है, खालिद खान जो है इनका नाम है। जाहिर तौर पर दिल्ली में जो वोटिंग है वो शुरू हो गई, सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों से यही हम उम्मीद करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कैमरामैन संजय खान के साथ चिराग गोठी, सीलमपुर दिल्ली, आज तक।